हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का नोट वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले केमिकल से रिलेटेड का बहुत ही अच्छा स्टॉक, जो कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे चुका है। लेकिन अभी हम लोग को नीचे मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा बात है कि नीचे में मिल रहा है। तो इसमें कोई डरने घबराने का बात नहीं है। जो कि नाम है आप लोग के सामने स्क्रीन पर, दीपक नाइट्राइट, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, जिसमें कोई आप लोग को डरना घबराना नहीं है। मार्केट है लेकिन नीचे आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका लेवल है 1677 का, एक अच्छा लेवल है, जो कि इसको ब्रेक करने दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ब्रेक करने दीजिए, जो कि हम लोग को लग रहा है कि ब्रेक करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मशक्कत करने का प्रयास कर रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर लेवल किस तरह से, यहाँ पर ऊपर जाने के लिए रेजिस्टेंस फेस किया, तो उसके बाद निकला, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग आया, यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग आया, यहाँ पर अच्छा खासा अभी लेवल के आसपास ही टिका हुआ है। 1800 के आसपास चल रहा, 1700 के आसपास आने दीजिए मार्केट को। यहाँ पर एक बार आप लोग बाई करके चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग को बाई ऊपर में बाई समझ सकते हैं कि मार्केट आप लोग को ऊपर में फंसाया होगा, मार्केट में ऊपर में लेवल आप लोग को लेकर फंसे हुए होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। स्टॉक देख सकते हैं रिटर्न जब देता है, चलने का रहता है, तो मार्केट में किस तरह से चलता है, रैली के द्वारा चलता है, इस तरह से स्टॉक चलता है, तो आप लोग को अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो इसके बाद थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा रेस्ट लेता, समझने का प्रयास कि मार्केट आप लोग भी किसी तरह से दौड़िएगा। मार्केट में कहीं भी आप लोग दौड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, डीप लीजिएगा, थोड़ा सा एक कदम नीचे लीजिएगा, तो फिर दूसरा कदम ऊपर उठाने के लिए तैयार रहेगा। उसी तरह का मार्केट है, इसमें बहुत ज़्यादा रनिंग हुआ है, अच्छा खासा दौड़ा, तो मार्केट थोड़ा सुस्त है, नीचे आ रहा है, धीरे धीरे सांस ले रहा है, और एक कदम नीचे करने के बाद दो कदम आगे करने का प्रयास करेगा। दीपक नाइट्राइट बहुत अच्छा स्टॉक है, और भी स्टॉक है जो कि आप लोग को नीचे में है, तो उसका भी वीडियो हम बनाएंगे। तो अगर आप लोग को कमेंट करिए, तो और भी जो भी स्टॉक में फंसे हो, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग डिटेल एनालाइज लाएंगे, और कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो कि हम लोग अच्छा से बताएंगे आप लोग को। तो यहाँ से आप लोग को देख सकते हैं 1700 के आसपास अच्छा खासा इसका एक सपोर्ट है, मान लीजिए सपोर्ट ही है। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, तो थोड़ा सा मार्केट और नीचे आने का प्रयास करिएगा। और अगर आप लोग को 1500 के लेवल, जो कि हम लोग को अच्छा खासा लेवल मिल रहा है, 1500 के आसपास मिल जाता है, तो यह स्टॉक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आप लोग को पैसा डबल पैसा यहाँ पर डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पैसा डबल डाल सकते हैं, जो कि डबल मतलब समझ सकते हैं कि जो इतना भी क्वांटिटी आप लोग ऊपर में बाई कीजिएगा अपने रिस्क के हिसाब से, तो उसको नीचे में थोड़ा सा उसका डबल आप लोग ऐड करना का प्रयास करिएगा, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा और नीचे, जो कि हम लोग जैसा कि अभी वीडियो बनाए थोड़ा देर पहले डालें निफ्टी के, कि निफ्टी का एनालाइज डाले हैं, उसमें हम बताएं कि कौन कौन सा लेवल है जो कि ब्रेक होता है, तो स्टॉक में भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन और स्टॉक बाई करना है, और कौन कौन सा स्टॉक बाई करना है, वो कि हम लोग वीडियो के तुरंत या टेलीग्राम पे अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं टेलीग्राम का है, तो यहाँ पर भी हम लोग अपडेट वगैरह सब चीज़, ऑप्शन ट्रेडिंग का, लेवल्स वगैरह, किस तरह से हम लोग बाय सेल करके हम लोग पैसा कमाते हैं, डेली का हम लोग खर्चा निकालते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह का हम लोग लेवल देते हैं, वहाँ पर आप लोग को स्टॉक भी वगैरह देते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नया नया चैनल है, तो आप लोग चैनल को ज्वाइन करके थोड़ा शेयर करने का प्रयास कीजिए, जिससे आप लोग को हर स्टॉक का हम लोग डिटेल्स एनालाइज लाते रहते हैं। तो इस तरह का आप लोग को दीपक नाइट्राइट का बन रहा है, तो आप लोग को पहला लेवल बात करना है 1700 का। इसमें आप लोग थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, अगर ऊपर में लिए हो तो थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा, क्योंकि एवरेज करने का आप लोग का समय है 1400-1500 के आसपास आप लोग एवरेज कीजिएगा, क्योंकि एवरेज कीजिएगा तो थोड़ा सा और नीचे प्राइस आएगा, तो अच्छा खासा रेंज रहेगा। लेकिन आप लोग अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए 1700 पे बाइंग, क्लियर इंडिकेशन है मार्केट इसको अच्छा खासा अप मूव ले जाएगा। जब मार्केट ऊपर नीचे आकर थोड़ा सा निफ्टी को थोड़ा सा नीचे आएगा, तो बैंक निफ्टी नीचे आएगा, तो उसको स्टॉक को नीचे आने में मदद मिलेगा, तो इसमें भी नीचे आएगा, तो उसमें आप लोग बाय करके चलिएगा, कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं। स्टॉक से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ साथ आप लोग बता रहे हैं कि मार्केट में इस तरह से एक्सपीरियंस होता रहता है कि कौन सा स्टॉक किस तरह से चलता है। तो आप लोग को अगर कोई दिक्कत है, तो देख सकते हैं पीछे हम लोग दिखाते हैं किस तरह से मार्केट चलता है, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करने का प्रयास कर, देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह से चलता है, देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर पीछे लाने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं कि मार्केट में इस तरह का सेंटिमेंट रहता है, छोटा चार्ट पर समझने पर देख सकते हैं मार्केट थोड़ा सा, आप लोग समझ सकते हैं कि होल्डिंग पे है, फिर उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड आया, फिर मार्केट थोड़ा सा रुका, फिर थोड़ा सा अपसाइड नीचे आया, फिर मार्केट चला चला थोड़ा सा नीचे आया, अब चला फिर थोड़ा नीचे आया, फिर मार्केट चला नीचे आया, चला मार्केट, इस तरह से मार्केट चलता रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट इसी तरह से वर्क करता है, इसी तरह से काम करता है। तो आप लोग चार्ट पे जाकर क्लियर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोग अपने चार्ट पे जाकर देखिएगा कि मार्केट किस तरह से वर्क करता है। जी हाँ, किस तरह से मार्केट वर्क करता है, आप लोग को मार्केट हमेशा अप साइड में नहीं रहेगा, मार्केट थोड़ा अप डाउन होते रहेगा, देख सकते जैसा कि चार्ट आप लोग को पीछे का चार्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चार्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर चार्ट किस तरह से ऊपर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, या कंसोलिडेशन में रह जाता है मार्केट, फिर ऊपर जाता है,
कंसोलिडेशन में आ जाता, फिर मार्केट ऊपर जाता कंसोलिडेशन, तो इस तरह से आप लोग को बना रहा था। तो आप लोग सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए, मार्केट में बैटरी भी डाउन हो रहा है थोड़ा सा, तो हम लोग यहाँ पर बंद करेंगे। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो स्टॉक से रिलेटेड कोई अच्छा खराब स्टॉक नहीं लेते रहिए, जो कि हम लोग लेवल बता दिए, दो लेवल पर काम कीजिए। मार्केट वगैरह वगैरह नीचे गिरता तो और हम लोग लेवल देंगे, लेकिन कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं, लेवल अभी नहीं आने वाला है बहुत ज़्यादा नीचे, तो बाय करते रहिए। कोई दिक्कत हो परेशानी हो कमेंट कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम देख सकते हैं, किस तरह का खर्चा हम लोग निकालते रहते हैं डेली का, ऑप्शन ट्रेडिंग का लेवल देते रहते हैं। और बाकी आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो तो वहाँ पर यहाँ पर से आप लोग DM भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बड़ा चैनल बड़ा स्टॉक मार्केट, तो बाय बाय।